गाइस और सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब सब दोस्तों को। और होप करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा था, मैं भी लाइव आया था, बट कोई लाइव था ही नहीं, दो मिनट तक लाइव रहा मैं, इसलिए भी मैंने सोचा चलो अपन वीडियो बना लेते हैं। और आज अपने साथ एक नए ट्रेनर ट्रेनिंग वाले बंदे हैं, इनका नाम है मुकेश मातो। मुकेश मातो जी हैं। तो अपना काम इनको ये नए डंपर के बारे में सारी जानकारी देना और इनसे चलवाना। तो आज ये चला रहे हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे चला के कैसा है इनको, क्योंकि ये वोल्वो चलाए हो ना आप? जी, स्कानिया भी चलाए हो गुरु? हाँ, स्कानिया भी चलाया। वोल्वो, स्कानिया, भारत बेंज? भारत बेंज नहीं चलाया। भारत बेंज नहीं चलाया? मान कंपनी का गाड़ी? हाँ, मान कंपनी का चलाया है। सभी आयशर भी चलाया? आयशर नहीं है उसमें। आयशर नहीं चलाया? नहीं, आयशर स्कानिया, वोल्वो और स्कानिया ना? जी। तो वोल्वो और स्कानिया दोनों चलाया। अब वो दो का ज्यादा गाड़ी बेस्ट है, ये ज्यादा अच्छा है। तो ये सैनिक का डंपर है और वो वॉल्वो कौन सा चला है? 440 और 460 460 440 भी चला है? 440 भी चला है। 440 भी चला है। तो देखते हैं, ये बताएंगे अपने को लास्ट में कि ओवरऑल कौन सा गाड़ी और कौन सा मशीन ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो अभी तक तो ये चला रहे हैं गुरुजी, अब देखते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस रहता है इसमें, कोई सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि कोई और पर्सन अपने को बताए। मैं चला रहा हूँ, मुझे तो यार वो वॉलपेक वाली फीलिंग आती है, बाकी इसकी चलाने का तरीका तो वोल्वो का जैसा है, क्योंकि टायर भी वैसे ही दिए हैं वोल्वो जैसे। बाकी अपन तो मज़ा लेते हैं तो हॉलपेक वाले ही लेते हैं, इसमें गाने वाने बजा के एकदम फुल ऑन चलते हैं। तो अभी तक आप चला के लाए हो डम से, तो कैसा लगा आपको अभी तक चलाने में? अभी तक तो चलाने में अच्छा ही लगा है। अच्छा लगा? हाँ। थोड़ा कुछ पटक रहा है? पटक रहा, ज़्यादा पटक रहा है वोल्वो से, थोड़ा ये ज़्यादा पटकता है। ज़्यादा पटकता है ना? तो भाई ये वोल्वो से ज़्यादा पटकता है, और हकीकत ये पटकता सच में ज़्यादा ही है। नॉर्मली भी अगर देखा जाए तो इसकी मतलब ये, यार सीधी बात बताऊँ ना तो ये डंपर माइंस में सक्सेस तभी होंगे जब या तो प्लेन रोड हो या तो फिर इस रोड की ग्रेडिंग बराबर होनी चाहिए। बाकी 100 टन मेरे ख्याल से तो अभी तक मैंने जो कमाटो और कैटरपिलर का 100 टन चलाया उससे ज़्यादा अच्छा डंपर मुझे तो कोई लगा नहीं है माइंस के अकॉर्डिंगली। 240 टन भी ठीक है, बट वही फिर रोड, होल रोड उसका बराबर होना चाहिए। अब जैसे मैं पहले हजारीबाग त्रिवेणी कंपनी में था, तो वहाँ क्या ग्रेडर बराबर मारता था, एकदम मस्त वाला मक्खन रोड हो जाता था। तो मक्खन रोड होने की वजह से वहाँ पे दिक्कत नहीं आती थी हमको चलाने में, पर यहाँ पे जैसे भी ग्रेडर एक है तो वो मार के चला जाएगा, फिर वो 2 घंटे या 3 घंटे बाद आता है तो फिर दिक्कत आती है। गाड़ियाँ निकलती है बराबर, कम से कम 2 घंटे में तो कितने यार ट्रिप हो जाते हैं यार, 4-4 ट्रिप लग जाते हैं 2 घंटे में यहाँ, तो फिर कहाँ से मतलब ऑल रोड मेंटेन रहेगा, कोई मतलब नहीं है। और ये क्या है कि थोड़ी ये जगह भी नरम है यहाँ की, तो एक बार दो बार में निकलते हैं और डंपर निकलेगा 3-4 बार में तो ये रोड ही दब जाता है। कहीं कहीं जैसे सामने दिख रहा होगा आपको ये एरिया जैसे बिल्कुल दब गया है। यहाँ ऊपर तक ठीक है क्योंकि नीचे का सरफेस अगर तगड़ा है तो ठीक है, वहाँ अगर दब गया है तो मतलब वो देखो खड्डे हो गए हैं, और वहाँ वो पटकेगा ही पटकेगा जो भी डंपर वहाँ से निकलेगा। तो ये मेन बात है यहाँ की। आज अपन आ गए, अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी आना था इसलिए मैंने सोचा चलो आज का पार्ट भी साथ के साथ ही बना लेंगे, 2 बजे जाके एडिटिंग कर लेंगे। और बाहर का नज़ारा देख लो, ये सूरज देखो भाई, मतलब अभी टाइम हो रहा है 6:24, 6:24 और सूरज देख लो कहाँ पहुँच गया है। ऐसा कुछ सीन है यार यहाँ, और वो पहाड़ी दिख रही है सामने आपको, ये दोनों ट्रक्स के बीच में सामने एक पहाड़ी दिख रही होगी, तो मेरे को पता नहीं है कैमरे में नज़र आ रही कि नहीं आ रही है। वो जब हम इस तरफ एक सिटी पड़ती है लखनपुर उधर जाते हैं तो वो पहाड़ी नज़र आती है, मंदिर बहुत बढ़िया। और अभी आए थे, बम्पर निकाल रहे हैं, अब ट्रिप लेने जाना है मशीन पे, चलते हैं अपन भी, लेट नहीं हो तो ज़्यादा बेटर है। ब्रेक पे पावर रखो, गियर डालो और फिर चलो। तो क्या हाल है दोस्तों,
पूरा गला बैठ गया यार एसी की वजह से, अभी नींद आ रही है यार। डी शिफ्ट ड्यूटी करी थी कल 10 बजे, 12 बज गए, खाना वाना खाए आए वगैरह किए, फिर वापस आज सुबह 4 बजे उठ के ड्यूटी आ गए। एक दिन का ये बीच में शिफ्ट चेंजिंग के टाइम पे रेस्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अप्रोप्रिएट रेस्ट ना मिलने की वजह से जो फर्स्ट डे ऑफ शिफ्ट चेंजिंग का हो रहता है उस वक्त बहुत इश्यूज आते हैं नींद के, इन सबके नींद आ रहा है और नींद को भगाने के लिए बार बार मैं पानी पी रहा हूँ, और मैंने ओरियो बिस्कुट ला के रखे थे और ये अपने कुछ चावला कैंडीज हैं, तो एसी के साथ गुजारा हो रहा है अभी तो। चलो अपने एक डंपर बचा है, अब अपनी बारी है इसको घुमा के लगाने की, तो मैं स्पॉटिंग में लगा देता हूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:12 और अपन रेडी हो चुके हैं ड्यूटी जाने के लिए। बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, देखो उधर एक आदमी झाड़ू लगा रहा है, इधर घूम रहे, ऊपर देखिए क्या सीन है, शानदार। ये हमारे सामने शौचालय वौचालय बना हुआ है, और नहाने का इधर है वो वॉशरूम है टॉयलेट से, ये खाली रूम्स है, ये सामने लाइट्स और उधर कैमरे वैमरे भी लग रहे हैं यहाँ पे। हाँ तो भाई ये अपना सेकंड ट्रिप है, गला खराब है भाई कल से, और अभी अपन पी रहे हैं लस्सी अमूल वाली। ड्यूटी टाइम में ना ऐसा कुछ ना कुछ नाश्ता पास्ता लेके आना पड़ता है छोटा मोटा साथ में, ताकि टाइम पास होता रहे। करने लग गया ये देखो, जब रिवर्स करके लगाएगा मेरे साथ में, इसको स्पॉटिंग कहते हैं, स्पॉट करके रखना अपने डंपर को, ताकि जैसे ही मैं निकलूंगा लेके तो ये डंपर लगा देगा पीछे इस तरफ साइड में लाके अपने। तो इसी तरह के तरह से माइंस चलती है, और प्रोडक्शन बराबर रखना हो तो बहुत सारे उपाय हैं ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो कम टाइम में। सो अभी 1:30 1:25 हो रहे हैं अभी दोपहर के, और शायद ब्लास्टिंग है, ब्लास्टिंग की वजह से अभी हमको खाली डंपर लेके जाना पड़ रहा है मशीन के पास से। सामने भी देखो पूरी मशीनें हट रही हैं, शायद बड़ी ब्लास्टिंग होने वाली है उस वजह से। ये दो मशीनें जा रही हैं, डंपर भी खाली जा रहा है, और आगे वो लोडर भी जब जा रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आने वाला और सब भाग रहे हैं वो वाली फीलिंग आ रही है। सो अभी जा रहे हैं पार्किंग में, और ट्रिप हो गए अपने टोटल 14, आज का यहीं ख़त्म हुआ।
देखते हैं अभी बस इतना ही यार, आज का इतने में बनाऊंगा मैं, अब घर जाके वीडियो एडिट करके और ये ब्लॉग डाल दूंगा, क्योंकि 2-3 दिन का हो गया अपने पास। और टाइम ही नहीं मिल पा रहा है यार, मेरा मन नहीं कर रहा था थोड़े ना, लाइफ में पर्सनल चीज़ें ऐसी हैं ना, पता नहीं यार मेरे साथ है कि आप लोगों के साथ भी है, कि बैठे बैठे सोच में डूब जाना, कुछ पुरानी चीज़ें ऐसे याद आ जाती हैं कि अपन आज वो रियलाइज होती है कि यार शायद ऐसा ना हो कि वैसा होता तो ज़्यादा बेटर रहता। अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मेरे साथ बहुत होता है, मैं सोच में बहुत डूब जाता हूँ, तो उस सोच में जब मैं पास्ट में चला जाता हूँ ना, तो मैं प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ढंग से नहीं जी पाता हूँ। बट हाँ, कई बार प्रेजेंट को जीने के लिए निकाल देता हूँ दिमाग से मैं बातें, ठीक है जो होना तो हो गया, और फ्यूचर को जीने के लिए सोच लेता हूँ कि आगे अच्छा कैसे किया जाए। बट क्या है, वो चीज़ें कुछ रिश्ते होते हैं जो छूट जाते हैं पीछे, और कुछ गलतियाँ होती हैं अपनी, समय निकल जाता है तो रियलाइज़ होता है कि कितना कुछ लॉस हो चुका है। वो तब होता है यार जब अपनी इच्छा कुछ और होती है, अगर अपन चाहते कुछ और हो ना, बट वो कुछ और हो रहा होता है ना, तो बहुत इश्यूज आते हैं मेंटली अपने आप में, कि अपन जैसा चाहते थे वैसा हो नहीं पा रहा है। बट दिक्कत नहीं है, ऊपर वाला जो दे रहा है ना बहुत अच्छा दे रहा है, और हाँ समय के साथ ही सब मिलेगा, बस ये है कि अब पीछे नहीं हटूँगा, जो भी है मेहनत पूरी करनी है, बाकी उसके हाथ में देना करना। तो गाइस जो सामने देख रहे हो आप, वो पूरी बेल्ट है, ठीक है, और एक ऊपर है, और इधर भी होगी मेरे ख्याल से ब्लास्टिंग, शायद ये एक साथ ब्लास्टिंग होने वाला है सारा। अभी सारी मशीन्स, वो देखो मशीन्स बाहर निकल रही हैं, ये भी अभी बाहर जाएगा, इधर भी सब वॉल्वो गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी हैं, वो एरिया पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। अब वही ब्लास्टिंग, बहुत लंबी ब्लास्टिंग थी यार सच में, इसको कहते हैं धमाका, हैप्पी दिवाली। इसको बनाने के लिए दोस्तों यार बहुत मेहनत करी मैंने, तेज धूप में खड़ा रहा कब से, मजा आ गया। सो दिस इज कोल्ड ब्लास्टिंग एंड नाउ इट इज डन, पूरा एरिया खाली करा दिया जाता है इसको करने के लिए। सबसे डेंजरस पार्ट यही रहता है माइंस में ब्लास्टिंग का, अगर प्रिकॉशंस के साथ नहीं किया जाए तो।